सर्दियों के मौसम में हरे प्याज, पत्ते वाले प्याज मार्केट में हर जगह दिखाई देते हैं, तो आज हम इन्हीं प्याज से, हरे पत्तेदार प्याज से बनाएंगे बिल्कुल अलग तरह से बनने वाला चिला। इनकी पकौड़ियाँ हम नहीं बनाएंगे, चिला आपने कई अलग अलग तरीके से खाए होंगे, लेकिन आज चलिए हम बनाएंगे हरे प्याज से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और फ़ायदेमंद, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हरे जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं इनका चिला। बनाना फिर करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे चने की दाल। आधी कटोरी हमारी है चने की दाल। वैसे आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन जब दाल को भिंगो के बनाते हैं इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो आधी कटोरी है चने की दाल, और आगे जो मैं दाल बता रही हूँ आप चाहें तो इनकी मात्रा अपने ज़रूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी रखनी है आप वो रख सकते हैं। आधी कटोरी है चने की दाल, तो आधी कटोरी ही मैंने ली हुई है हरा मूंग। जो खड़ा मूंग आता है, साबुत मूंग, वो ली हुई है। काफ़ी पौष्टिक भी होता है हरा मूंग, सर्दियों में खाते हैं और अपनी सेहत को भी हम बनाते हैं। तो हमने डाला हुआ है हरा मूंग। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चावल। जो चावल आप खाते हैं वही चावल डाल दी हुई है आधी कटोरी। अगर बहुत ज़्यादा कुरकुरा रखना है तो चावल की मात्रा आप बढ़ा लीजिए। इनकी क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। इनको साफ़ पानी में धो के सिर्फ आधे से एक घंटे हमें भिंगो के छोड़ देना है। उसके बाद हमारे दाल फूल के हो गए तैयार। अब हम एक जार में डालेंगे दो तीन हरी मिर्च, ज़रा सा एक छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी ही काली मिर्च, 8-10 डाली हुई है। अगर ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप मिर्च की मात्रा और बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे अपने इन सब फूले हुए चावल और दाल को। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें लहसुन की भी 2-4 कलियाँ डाल सकते हैं। इनको हम पीस लेंगे मोटा सा और महीन सा पेस्ट। दरदरी हमें नहीं रखनी है बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत दरदरी हो तो चलेगी, लेकिन बिल्कुल दरदरी नहीं रखनी है। इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक ही छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, आप चाहें तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे अपने हम स्वाद के अनुसार। हम कर देते हैं एक साइड में, और अब अपने हरे प्याज को अच्छे से धो लिया था पत्तों के साथ ही, इसे साफ पानी में धोने के बाद जब इसका पानी निकल जाए, पीछे से इसके जड़ को हटा के और इसे महीन महीन टुकड़ों में हम काट लेंगे। पत्ते वाले प्याज हैं तो ये चॉपर वगैरह में नहीं कट पाते, हाथ या फिर जो पैसुल होता है उससे हमें काटना पड़ता है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पर रख के भी इसे, बस महीन महीन, बहुत मुलायम सी होती हैं इसकी पत्तियाँ, और सारी पत्तियों को हम काट लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे ही टुकड़ों में। हरे प्याज जो हैं पत्ते वाले अभी ही मिलते हैं कुछ टाइम के लिए मार्केट में, और पत्तेदार सब्जियां खाना काफ़ी होता है फ़ायदेमंद। तो सारी पत्तियों को, और जितनी आपको मात्रा इसके डालनी है आप उतनी मात्रा इनकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए ये घोल बनके हो गया है तैयार। बहुत गाढ़ी हमने इसे नहीं करी हुई है। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा अपना ये पत्ते वाले प्याज। इनकी क्वांटिटी आपको जितनी बढ़ानी है उतनी आप बढ़ा सकते हैं। जितनी भरपूर मात्रा में आपको डालनी है आप इसमें डालिए इन सारे प्याज को। और जरा जरा सी आधी आधी कटोरी हमने दाल और चावल ली हुई थी, एक फैमिली के लिए परफेक्ट जो है पूरा भरपूर मात्रा में ये चिला बनके होगा तैयार। और अब स्वाद के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक प्याज है बिल्कुल महीन टुकड़ों में काट के मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अनियन स्टाइल में खाना है, प्याज प्याज का चाहिए टेस्ट, तो आप इसे डालें। साथ में ढेर सारा हरा धनिया। हम अपने इस चिला को स्वाद के साथ साथ सेहत पर भी रख रहे हैं पूरा ही ध्यान, तो जितना हो सके इतना इसे हम पौष्टिक बनाते हैं। इसमें खूब सारा डाल दिया हुआ है हरा धनिया। और अब हम बैठाएंगे तवे को। तवे पे बैठा के बिल्कुल ज़रा सा हम डालेंगे ऑयल, जो भी ऑयल आप खाते हैं, और जिस स्टाइल में हम बनाते हैं चिला। अब आपको अगर ये बिल्कुल पतली रखनी है तो आप अपने घोल को ज़रा सा पानी डाल के इसे पतला घोल बना के तैयार कर सकते हैं, या अगर आप चाहें हल्की सी मोटी रखनी है तो आप इसे मोटी बना सकते हैं। तो आप पतली या मोटी जैसी आपको बनानी है और जिस साइज़ में भी बनानी है हम इसे बनाएंगे। तवे पे फैला के थोड़ी देर के लिए मीडियम से कम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से सिकने देंगे। ऐसा करने से हमारे ये चिले बिल्कुल टूटते नहीं हैं। अगर फटाफट ही हम इसे पलट देंगे तो हमारे चिले फिर टूटने लगते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए।
उसके बाद हम इसे पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते और बिल्कुल ही सॉफ्ट ये बनके होंगे तैयार। टिफ़िन के लिए जब बच्चों को रहता है हम टिफ़िन में क्या दें या लंच में भी हम उन्हें क्या दें फैमिली मेम्बर को, ये चिला जो है बेस्ट ऑप्शन है टिफ़िन में देने के लिए। बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएंगे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये ठंडी हो कर भी, जब ये ठंडी हो जाती हैं फिर भी इनका स्वाद कहीं से ख़राब नहीं लगता, अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे हम कोई चिला बनाते हैं तो गर्म गर्म ही वो लगती हैं अच्छी, अगर सिर्फ आप बेसन की बनाते हैं तो भी गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। ठंडी होने के बाद स्वाद उनका उतना फिर मज़ेदार नहीं रहता, लेकिन ये चिला आप बनाएं, ये जब ठंडी भी हो जाती हैं बिल्कुल गर्म सा स्वाद तो नहीं आता, लेकिन ठंडी होने पर भी इनका स्वाद जो है वो मेंटेन रहता है, अच्छी लगती हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। आप चाहें तो इसके ऊपर ज़रा सा चटपटा और बनाने के लिए चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चाट मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया है, चिले को फैलाने के बाद ऊपर से चाहें तो चाट मसाला डालें, या अगर आप चाहें तो जब हमारा चिला बनके हो जाता है तैयार उसके ऊपर से आप चाट मसाले को डालें तो ये और भी ज़्यादा चटपटी हो जाती है। और कोई भी हरी चटनी, सॉस या फिर अचार, इनके साथ आप इसे बनाएं। यहाँ पे हमारे ये चिला बन करके हो गया तैयार, बिल्कुल सॉफ्ट सी ये बनी हुई है। ऐसे ही हम अपने सारे चिले को एक एक करके बना लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अब इसे फोल्ड करके, जब तक हमारे ये चिले बन गए फोल्ड करूँगी और बहुत ही आसानी से बिना टूटे हमारा जो ये चिला है वो फोल्ड हो जाएगा। जैसे टिफ़िन में हम देते हैं पराठे वगैरह को फोल्ड करके, ऐसे ही मैं इसे आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। तरफ से फोल्ड हो गया और अब मैं दूसरे साइड से फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए बिना टूटे, ये कहीं से भी टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, हमारी फोल्ड हो जाएगी। इतनी ये सॉफ्ट हैं कि घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी इसे बहुत ही चाव से, बहुत प्यार से और स्वाद ले करके इसे खाएंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने जानने वाले फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक ये करता है मुझे मोटिवेट, यही तो करता है टॉनिक का काम मेरे लिए। तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टिल देन बाय बाय।